हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है कट पोटैटो करी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत झटपट रेसिपी है। अगर कभी अचानक से कोई ऐसी वेजिटेबल आपके पास नहीं है तो आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्ट एकदम बहुत अच्छा होता है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमको चाहिए, मैंने ये लिया है ग्रीन चिली कटी हुई और जिंजर और घी और कर्ड। और उसके लिए मैंने ये पोटैटो लिए हैं 5-6, आप अपने अनुसार जितना बनाना उतना आप ले सकते हैं। और उसको मैंने बॉईल करके और मैंने छील लिया है और इसको इस तरह से हमको फोड़ लेना है, कट नहीं करना है, इस तरह का ही हमको फोड़ना है। हाथों की सहायता से ही हम फोड़ सकते हैं इसको इस तरह से ही। और फ्रेंड्स, इसको हमको घी में ही बनाना होता है, घी में ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने कढ़ाई लिया, गरम कर लिया है, अब उसके अंदर मैंने घी ऐड कर दूंगी मैं 2 से 3 चम्मच, आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जीरा ऐड करूंगी, जीरा ऐड करने के बाद फिर मैं इसके अंदर ग्रीन चिली और जो मैंने ग्रेट करके जिंजर लिया है वो जिंजर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसको मैं भून लूँगी और उसके बाद इसके अंदर जो मैंने पोटैटो लिया है वो ऐड करूँगी। तो इस तरह से पहले मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर पोटैटो ऐड करके इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी अच्छे से। जब मेरे पोटैटो अच्छे से भून जाएंगे और इस तरह से हमको चलाते हुए थोड़ा सा करके भून लेना है अपने पोटैटोस को। और ये घी में ही बनाना चाहिए फ्रेंड्स, और ऑयल में उतना टेस्टी नहीं बनेगा और बहुत टेस्टी बनता है ये। तो उसके बाद ये मैंने मसाले लिए हैं। मसाले के लिए मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च और हल्दी ये मैंने इसके लिए लिया है। और इसको मैं इसके अंदर, आलू हमारे भुन गए हैं तो अब इसके अंदर मैं मसाले को ऐड कर दूंगी और मसाले को भी साथ में थोड़ा सा भून लूंगी मैं। उसके बाद पानी में ऐड करना है मुझे और फिर मैं इसको भून लूंगी अच्छे से। इस तरह से हमको भून लेना है और जब भून जाएगा तब इसके अंदर हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। जिसको जितना आपको करी रखना है उतना ही पानी हमको ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और क्योंकि हमें कर्ड भी ऐड करना है तो थोड़ा वो भी रहेगा। तो कर्ड को पहले हमको एक मिक्सी जार में लेके उसको हमको पतला सा थोड़ा कर लेना है। तो या आप स्पून की हेल्प से भी उसको कर सकते हैं। तो ये मैंने कर्ड को ऐड कर दिया है। और ये कर्ड जब हम ऐड करेंगे तो गैस स्लो होना चाहिए और हमको ठंडे में ही ऐड करना है और नहीं तो फटने का डर होता है। तो आप इसको लगातार हिलाते हुए ही हमको इसको बनाना है, क्योंकि हम हिलाएंगे नहीं तो कर्ड हमने जो डाला है वो फट सकता है। तो मैं देखिए हिलाते हुए उसको जब तक हिलाना है हमको, जब तक कि वो उसमें बॉयल उबाल नहीं आने लगे। तो इस तरह की हमको करी रखनी है इसकी और ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनता है। और धनिया की मात्रा इसमें थोड़ा हमको ज़्यादा रखना होता है, थोड़ा हम पहले ही ऐड कर देंगे और थोड़ा जब बॉयल हो जाएगा, उबाल आ जाएगा तब इसके अंदर हम साल्ट ऐड करेंगे। शुरू में साल्ट नहीं ऐड करना है नहीं तो फटने का रहेगा। तो इस बात का, दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें गर्म में दही नहीं डालना है और उसके बाद साल्ट भी हमको लास्ट में ऐड करना है। तो अभी हमारी सब्ज़ी लगभग होने के लिए आई है, इसको हम एक बार ढक देंगे और फिर थोड़ी देर 2 से 4 मिनट पका लेंगे। तो अभी हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, इसके अंदर मैं कोरिएंडर और ऐड कर दूंगी ताकि और इसके अंदर अच्छा सा स्वाद आए। और इसको अब मैं सर्व कर लेती हूँ और एक बाउल में, और इसको हमको रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और बहुत ही झटपट रेसिपी और बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने सर्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी? तो इसको दही वाले आलू भी बोलते हैं और कट पोटैटो करी भी बोलते हैं। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।